अगर सिस्टम को आप ट्रेन कर चुके हैं तो रेशियो के साथ कर सकते हैं, नहीं तो ब्रीदिंग अवेयरनेस जारी रखते हैं लेते वक्त भी, और ये होश के साथ ले, मैं सांस ले रहा हूँ, ये आपको सजेशन जोड़ सकते, सांस छोड़ते वक्त भी मैं सांस छोड़ रहा हूँ, ये आपको सजेशन के साथ लेना छोड़ना पूरा अवेयरनेस के साथ होश के साथ सांस को ब्रेथ के ऊपर ही मैंने ध्यान जारी रखना। तो ब्रेथ का हर पहलू भी क्या लेने के टाइम जो उसका मूवमेंट, उसका लेंथ, उसका टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, और लेने छोड़ने में एक प्रकार के आवाज़ भी निकल रहा है, लेते वक्त असेंडिंग मूवमेंट मिल रहा है, नाभि से ऊपर की ओर असेंडिंग ऑर्डर में सांस मिल रहा है, छोड़ते वक्त डिसेंडिंग मूवमेंट मिल रहा है, गले से नाभि की ओर सांस उतर रहे हैं, ये मूवमेंट को फील करना है, और असेंडिंग डिसेंडिंग मूवमेंट के साथ लेने छोड़ने के साथ एक साउंड भी कुदरती साउंड आता है नेचुरल, सांस लेते वक्त असेंडिंग मूवमेंट के साथ शो की साउंड, छोड़ते वक्त डिसेंडिंग मूवमेंट के साथ हम की साउंड सो हम, हर ब्रेथ के साथ एक ब्रेथ में एक सो हम की, ये ऐसा इसी को अजपा जप भी बोलते हैं, अजपा जप बिना मैंने एफर्ट में ये ऑटोमेटिक चल रहा है, स्पॉन्टेनियसली चल रहा है, उसी के ऊपर अवेयरनेस जारी रखते हुए हम रिलैक्स होके आराम कुर्सी के ऊपर भी ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ करेंगे कुछ मिनट्स तक, तो इसी से भी प्राणायाम का फायदा लेंगे। दूसरा, एक नेचुरल कुंभक को एनकरेज किया जा सकता है, जिनके लिए कुंभक जो ट्रेडिशनल मेथड में जो कुंभक है वो नहीं कर सकते, तो नेचुरल कुंभक को एनकरेज किया जा सकता है, कुंभक का फायदा उठाने के लिए। तो सांस अंदर लिया और सांस छोड़ते में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड थोड़ा टर्न लेने के लिए लगता, लेकिन वो इतना कम हिस्सा है समय का, तो हमको पता नहीं चलता कि टाइम लगता हो, तो उसी को होश पूर्वक थोड़ा पॉज दे रहा, कुछ सेकंड के लिए रुक लिया, सांस लिया 5 सेकंड के लिए रुक लिया, सांस छोड़ा 5 सेकंड के लिए बाहर रुक लिया, ये पॉज देते हुए करेंगे तो कुंभक का फायदा आपको मिलेगा। तो ये है शिवानंद प्राणायाम।